दिव्या जी कैसे ठीक है ना वो? मैं आपको झूठी तसल्ली तो नहीं देना चाहता, हालांकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। कामना बेटा तुम भी हमारे साथ चलो। कामना! अरे करमचली, पहले ही तूने हमारी क्या कम नाक कटवाई है और अब ये खुदकुशी करके हमें और भी बदनाम करने पे तुले है तू? I'm sorry, Mr. Singh, पर हम दिव्या को बचा नहीं सके। क्या हुआ? बेटा वो लोग दिव्या को नहीं बचा सके। क्या बोल रहे हैं आप? बकवास कर रहे हैं? क्या क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी बोलते हैं। कुछ भी मत बोलिए। आप समझने की कोशिश कीजिए। दिव्या जी उठे ना दिव्या जी, आपको हमारे लिए जीना होगा। गोली लगी है, बेहोश हुई है, मरी नहीं है। दिव्या जी आपके मन में जो था कहा कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी कह रहे थे कि आप बहुत 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 प्यार करते हैं आपसे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देखिए हम माने पानी ये कंगन भी दिया है, ये कम पानी का कंगन पहनाकर तुरंत बनाकर लाना बनारस। देखिए देवा जी एक बार उठ जाइए। हमारी बात तो सुनिए दिव्या जी, आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। Thank you.
डॉक्टर साहब चमत्कार हो गया सिंदूरा जी, दिव्या जी बच गए हैं। अभी थोड़े वक्त के लिए हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, अगर ये वक्त टल गया तो समझिए वो पूरी तरह से खतरे से बाहर हो गई हैं। एक्सक्यूज मी, हम जानते थे कि आप ठीक हो जाएंगी, हम जानते थे। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो आपको ठीक होना ही पड़ेगा। दीप, डॉक्टर कह रहे हैं कि दिव्या बच गई है। मैंने आपसे कहा था अमर उसे मरने नहीं देगा। तुमने वो सुना जो दिव्या ने कहा? उसने कहा सागर क्या? मतलब है उसे सब कुछ याद आ गया। अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो जाके डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जो भी कुछ हुआ है जो भी कुछ उसकी जिम्मेदार तुम हो। जाके डूब मरो चुल्लू भर पानी में। महुआ हमारी बात सुनो, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। महुआ पिछले 22 सालों से हम पति पत्नी का रिश्ता निभाते आए हैं और इतने सालों में आज तक ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, जो हमने आपसे छुपाई हो। महुआ एक बार आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमने इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई है तो इसकी कोई वजह होगी, एक बहुत बड़ी वजह। आपने जो बात मुझसे छुपाई है वो हमारे बच्चे के बारे में है। हमारा बच्चा हमारे लिए सबसे अहम है, सारी दुनिया से बढ़कर। हाँ महुआ, और इसलिए हमने बात छुपाई क्योंकि हमारे बच्चे की जान को खतरा था। खतरा? क्या बात कर रहे हैं आप? हम आपको सब कुछ समझाते हैं, बिल्कुल शुरुआत से समझाते हैं आपको। याद है महुआ, जब आप पेट से थे और आपको दर्द शुरू हुए थे तब हमने क्या कहा था कि चलो हम यहाँ से दूर चलते हैं, हम अपना छोटा सा परिवार कहीं दूर जाकर जिएंगे।
याद है अस्पताल में भी हम यही कह रहे थे कि हम यहाँ से चलते हैं। इस सब की एक ही वजह थी मामा, हमारे बच्चे की सुरक्षा। और इसलिए इन 22 सालों से हमने ये बात आपसे छुपाई, क्योंकि हमें बस यही डर था कि कहीं आपकी एक छोटी सी गलती से भी सिंदूरा जी को सच पता चल जाए तो हमारे बच्चे की जान खतरे में आ सकती है। और आज हमारा बेटा बड़ा होकर क्या बना है? वो सागर है महुआ, छोटे ठाकुर, आपके भाई, और वो लड़की दिव्या। हमें बस यही डर है कि सिंदूरा जी उन्हें कुछ करना दे। पिछले जन्म में जैसे उन्होंने सागर और विद्या की जान ली थी, हम नहीं चाहते कि वो अमर और दिव्या की जान ले। पहली मुलाकात से हमारा रिश्ता बन गया था, जानती है। पहली बार जब आपने और हमने एक दूसरे को देखा तब से। प्याजी, शायद भाग्य ने हमारा मिलना तय कर रखा था। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मिलना ही था। प्याजी, आपसे वादा करते हैं कि कुछ भी हो जाए, आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहेगी, हमेशा खुश रहेगी, कुछ भी हो जाए। बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत। भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ बता दिया दी। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं अमर को आपके खिलाफ कभी खड़ा नहीं होने दूंगी। आप प्लीज अमर को बख्श दीजिए, आप मेरे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी ना दी। हाँ दी, नहीं पहुंचाएंगी ना। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंचाऊंगी? तुम्हारा बेटा क्या मेरा बेटा नहीं है? हाँ, मैं सागर से नफरत करती थी क्योंकि वो हमारा खून ही नहीं था, लेकिन अमर तो हमारा अपना खून है। मैं अपनी सगी बहन के बेटे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मावा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। क्या हालत बना रखी है? आंसू पूछो, आंखें देखो कितनी लाल हो गई है। घर जा, आराम करो। और सुनो,
तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। राजीव, तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही नहीं खुलने लगा है। 22 साल पहले जो चेतावनी मैंने तुम्हें दी थी शायद तुम भूल गए। याद दिला दूं, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया जिससे मैं नाराज हुई तो मेरे खिलाफ उठा हुआ हर वो कदम तुम्हारे बेटे को बहुत भारी पड़ सकता है। पर सिंदूरा जी, आपने अभी भी तो महुआ से वादा किया था कि... सिर्फ वही वादे निभाती हूँ जो मैं अपने आप से करती हूँ, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने आप से करती हूँ। सबसे ऊपर सिर्फ मैं हूँ। मेरे खिलाफ अगर कोई पत्ता भी जाता है ना तो मैं उसे भी नहीं बख्शती। तुम ध्यान रखो, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी और जिस दिन मुझे एहसास लगा कि तुमने अपनी हद पार कर दी है तो समझ जाना कि सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारे बेटे के लिए, तुम्हारे असली बेटे के लिए। थोड़ी देर आराम कर लो, थक जाओगे नहीं तो। मैं बैठती हूँ यहाँ दिव्या के पास। नहीं सिंदूरा जी, जब तक दिव्या जी ठीक नहीं हो जाती हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करेंगे, जल की एक बूंद नहीं पिएंगे जब तक दिव्या जी ठीक नहीं हो जाती। अच्छा लगा ये जानकर कि दो लोग एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिंदूरा जी, आपको एहसास नहीं है आपने क्या किया है। अरे हमने स्वयं देखा कि सम्राट के हाथ में बंदूक थी, आपने बहुत बहादुरी से सामना किया। अरे आप निडर हैं, बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत बड़ा दिल। नहीं अमर, ये तो मुझे करना ही था। इस तो किस बात का है कि जो मैं चाहती थी वो हुआ नहीं जी। मेरा मतलब है गोली आखिर दिव्या को लगी गई। होने को कौन डाल सकता है, मगर हमें पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर अमर यहां से नहीं हिला तो मैं दिव्या को खत्म कैसे करूं? और दिव्या को खत्म करना जरूरी हो गया है क्योंकि हो सकता है कि जब दिव्या होश में आए
तो वे दिव्या ना रहे, विद्या बन जाए।